मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बागेश्वर धाम पहुंच के शिव मंदिर में पूजा अर्चना करी। इसके बाद दोनों नेताओं ने सामूहिक कन्या विवाह में सम्मिलित होकर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और ये भी कहा किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने छतरपुर बागेश्वर धाम के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद दोनों नेताओं ने छतरपुर में हो रहे सामूहिक कन्या विवाह में सम्मिलित होकर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए बताया कि किसानों का फसल किसी भी परिस्थिति में अगर खराब या बर्बाद हुई है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। वहीं खजुराहो के सारे मंदिरों में पूजा अर्चना हो, इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र के माध्यम से मांग करने की बात भी कही। किसी भी किसान का कोई भी खेत में आप प्राकृतिक आपदा में बारिश होला या किसी कारण से भी फसल नष्ट हुई तो भी प्रशासन को बताया है, हर एक किसान के खेत का सर्वे करेंगे और किसी को भी कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी। ये मैंने अपने निर्देश जारी किए हैं। आज बागेश्वर धाम में मैंने आकर सामूहिक विवाह में सम्मिलित भी हुआ और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सबको शुभकामना भी दी है और खजुराहो के मंदिरों को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूँ के सारे मंदिरों में पूजा करा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। वो पुरातत्व की दृष्टि से रोका गया था लेकिन इसका रास्ता निकालना राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जनभावनाओं का आग्रह है। माननीय बागेश्वर धाम के हमारे धीरेन कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने भी निवेदन किया और मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है और उम्मीद करते आने वाले समय में मैंने महाराज जी से कहा कि सामूहिक विवाह में सरकार भी ऐसी व्यवस्थाओं में मदद करती है, अगर और तिथियों पर भी सरकार के साथ चल करके बागेश्वर धाम और महाराज जी अगर आयोजन करना चाहेंगे हम उनके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सबको शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।